नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप सभी का दीप टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले सैमसंग के नए अपडेट के बारे में। जिसमें दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास सैमसंग का एक स्मार्टफोन है ए सीरीज या एम सीरीज, जिसमें दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास A31, M31, A30S या फिर M30S या फिर जितने भी सैमसंग के ए सीरीज और एम सीरीज आपके पास स्मार्टफोन है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे सैमसंग ने हमेशा नए नए अपडेट देते रहता है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे अब आपके 2 या 3 एंड्रॉयड अपडेट आ चुके हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुके हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पे जब आपने इन सॉफ्टवेयर को अपडेट किया तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नए फीचर दिखाई दिए होंगे। जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ पे आपको साइड में रीसेंड का ऑप्शन दे दिया गया, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे आप उससे वहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को जिसको जो आपने यूज की थी वो रिसेंट में आ जाएगी, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है जब आप अपने एंड्रॉयड फोन में किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर आप इंस्टाग्राम, तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है या गलती से आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वह स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिखाई देने लगती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे वह ओपन हो जाती है और आप जब सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वह बंद होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप उसे किस तरह से ऑफ कर सकते हैं या फिर आप उसका किस तरह से सिर्फ कुछ एप्लीकेशन में ही उसका यूज कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पे इस एप्लीकेशन को या इस नोटिफिकेशन को बबल नोटिफिकेशन कहा जाता है। जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको गोल सर्कल में यह नोटिफिकेशन आपको दिखाई देती है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप इसे किस तरह से क्लोज कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऑप्शन में आपको जाना है। नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपके सामने एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ऑफ का ऑप्शन, उसके बाद दोस्तों बबल्स, उसके बाद है पॉपअप नोटिफिकेशन। जिसमें दोस्तों यहाँ पे पॉपअप में जाने के बाद आप उन्हें ही एप्लीकेशन को आप पॉपअप या ऑन कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर जितनी भी अनदर एप्लीकेशन है वहाँ से आप उन्हें बबल्स में नोटिफिकेशन में उन्हें चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप उसे यूज नहीं करना चाहते तो आप परमानेंटली वहां से ऑफ कर दीजिए, जिसके कारण दोस्तों यहां पे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों यहां पे अगर आपको यह अपडेट काफी अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा।